नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट है कुंभ राशि वक्र शनि। कुंभ राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए शनि महाराज का जो भ्रमण है वक्री, करीबन 140-42 दिन तक रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन भाई बहन हैं अपने, उनको क्या फल देगा उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने जो 11 नंबर की कुंडली ड्रॉ की है वो कुंभ राशि की कुंडली होती है, और कुंभ राशि में लगन में ही चंद्र विराजमान रहते हैं, और जो बड़े ग्रह चलने वाले हैं उसमें राहु महाराज 6th हाउस में चल रहा है कर्क राशि के, गुरु चल रहा है इनका पंचम स्थान में तुला राशि का, अपने भाग्य स्थान में सॉरी, और शनि चल रहा है इनका 11th हाउस में धनु राशि का, केतु इनका चल रहा है 12वें स्थान में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसा शनि महाराज का क्या ब्रह्मन रहेगा जिनके हिसाब से उनको क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, या कड़ी मेहनत करके शनि का जो ब्रह्मन है उसको हासिल करना चाहिए। सबसे पहले कुंभ राशि का जो लॉर्ड्स होता है वो शनि महाराज होता है, और राशि का स्वामी खुद जाके बैठा है अभी 11th हाउस में। ये इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ बन रहा है। और 11th हाउस में जो होता है शनि महाराज जब भी, तो वो प्रॉफिट हाउस गिना जाता है। यहाँ व्यक्ति पर्सन को थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है, मतलब उसकी दुगनी हो जाती है। प्रॉफिट का जो हाउस है वहाँ अगर शनि महाराज खुद चलेंगे, लग्नेश होके अगर राशि का स्वामी होके खुद अगर 11th हाउस में रहेगा तो वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए शनि का यहाँ वक्री भ्रमण इनके लिए बहुत ही शुभ गिना जाएगा, क्योंकि ये 11th हाउस है। 11th हाउस में जब भी पाप ग्रह वक्री होते हैं तो वो बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि इनका फेवरेट हाउस है। ये जो हाउस है वो शनि महाराज का सबसे बढ़िया हाउस गिना जाता है। यहाँ शनि महाराज खुल के काम करते हैं, खुल के इनके लिए सब पैसा पानी जो भी देना है, प्रॉफिट देना है, वो खुल के देते हैं। उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी दुगनी तिगनी हो जाती है। इसलिए यहाँ का शनि बहुत ही बली गिना जाता है, और ये जो 140-42 दिन का जो ब्रह्मन है ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इनका जो राहु है वो भी 6th हाउस में चल रहा है, गुरु जो है वो भी पंच भाग्य स्थान में चल रहा है, और केतु भी 12th हाउस में चल रहा है। ये जो बड़े ग्रहों की जो पोजिशन है वो काफ़ी फेवरेबल है कुंभ राशि वालों के लिए। ये काफ़ी फेवरेबल पोजीशन बोली जाती है, क्योंकि लंबे ग्रह ज़्यादा असर करते हैं, उसको पहले देखना पड़ता है। यहाँ जो भी लंबे ग्रह चलने वाले हैं इनकी पोजीशन बहुत ही सुंदर बैठी है। गुरु का खुद भाग्य स्थान में बैठना एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, और शनि खुद यहाँ चल रहे हैं धनु राशि में, वो भी 11th हाउस में। ये इनके लिए बहुत ही शुभ ब्रह्मन गिना जाएगा। यहाँ का वक्री ब्रह्मन कुंभ राशि वाले को कोई अच्छा हिसाब किताब देके भी जा सकता है, कोई अच्छा इनका कामकाज बना सकता है, या कोई भी बहुत लंबे टाइम से जो काम इनका प्रॉफिट जो कहीं से आने वाला था वो नहीं आ रहा है, तो वो अभी इनके आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ऐसे और कहीं वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।